सर जी नमस्कार जी। सर जी माल बिक लिया है, बिकने रह रहे जी, अभी क्या साहब जी? माल राणा जी जो है मैंने आपको बताया था, मंडी 5:30 बजे 6:45 बजे शुरू हो जाती है, तो माल जो बढ़िया माल होते हैं वो सवेरे ही बिक जाते हैं। अच्छा जी। जी जी, यानी थोड़े से जो लो क्वालिटी के माल है जी अब ये रह जाते हैं? हाँ नहीं, लो क्वालिटी के भी माल जो है अच्छे भी रह गए हैं। ये कुल्लू डिलीशियस है समझो, ये बिकेगा समझो 750 और 800 रुपए के बीच में। अच्छा जी, इसमें वजन कितना है जी? वजन वही होता है इसमें कार्टन के अंदर 15-15.5-16 किलो माल। अच्छा जी, वो अमेरिकन है जी? अमेरिकन वो लूज है। अच्छा जी। अच्छा हाँ, जो बाकी जो बढ़िया अमेरिकन है वो बिक गया है, उसका बाजार समझो आप बढ़िया अमेरिकन का 450 रुपए डब्बा। अच्छा जी, और वजन? हाँ जी, उसमें वजन उसमें वही होता है 7-7.5 किलो। 7.5 किलो। जी जी। आपके पास तो कोतरनाक है जी अभी? हाँ जी, कोतरनल है। ये थोड़ी सी मतलब इस पे थोड़ा खाकीपन की शिकायत है। हाँ जी, ये बिकेगी समझो 550 और 600 के बीच में। अच्छा जी, जो इसमें बिल्कुल ग्रेडिंग अच्छी हो जी, जो बढ़िया माल है वो कोतरनल बेचिए 800 रुपए की। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। और सर जी जो बात करें दूसरी नाक की है? नाग बेची आज राणा जी समझो जो नीचे से लेके 300 रुपए से लेके और नाग जो है 900 रुपए तक है। बढ़िया 300 रुपए से लेकर 900 रुपए तक, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई 1-2 लाट होता है बहुत बढ़िया। हाँ जी, वो बिक रही 1,111 रुपए। अच्छा जी। अच्छा, उसकी मतलब क्वांटिटी जो है 100 लाट में से 2-3 लाट बिकते हैं। अच्छा, बाकी जनरल जो रेट है वो 300 रुपए से लेके 700-750 रुपए तक। अच्छा जी। और कोई कोई लाट 900-800-850 रुपए यही रेट है नाग का। अच्छा, और अपने पास गाला वगैरह नहीं आ रहा जी? गाला आए थे, छोटे डब्बे आए थे गाला के, जो 5 किलो वाले वो 300 रुपए बिके। 300 रुपए। बड़े वाला नहीं आ रहा जी? 10 किलो वाला बॉक्स वो 10 किलो वाला नहीं, वो पेटिया थी उसकी, वो बिकी 500 रुपए की। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। सर जी अभी ये बताओ, आपका तो काफी पुराना तजर्बा है आपका भी कभी से, ये जो मंडी में कई बार बोलते हैं कि नजारा नहीं आ रहा, ये नजारा पहले क्या था और अब नजारे में? एक्चुअली में क्या राणा जी, मंडी जो है ना दो जगह डाइवर्ट हो गई, थोड़ा नरेला मंडी में भी कस्टमर जाता है, अभी जो है ग्राहक जो है पूरा कस्टमर जो है शिमला और कुल्लू में लगा हुआ है। हाँ जी। उसकी वजह थोड़ा सा मतलब खरीदार को वजन की उसको वो पड़ती है जीत। हाँ जी, कश्मीर में उसकी बनिस्बत जो है वजन कम होता है। अच्छा जी। जी जी। नहीं वैसे भी बोलते हैं ना, अभी जैसे पहले मंडी थी बड़े बड़े आड़ती थे, अब देखो टाइम के साथ साथ राणा जी चेंज होता रहता है, जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके साथ वो चेंज होता है, इसी तरीके से ये जो है टाइम चेंज होता रहता है मतलब। अच्छा जी। अच्छा। आजकल आपको पता है डिजिटल इंडिया का जमाना है। हाँ जी, अब सब ऑनलाइन काम हो गया है, जो पहले जमाना था वो आज नहीं है। अच्छा, जो आज होगा वो कल नहीं होगा। अच्छा जी, जो हमने देखा है आज हमारे बच्चे वो नहीं देख रहे, जो अभी ये देखेंगे तो आने वाले टाइम इनके बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी। अच्छा जी। यानी जो पुराने आड़ती वो सोचते हैं कि उसी हिसाब से माल बिके वैसे ही बंदे, वो टाइम अब खत्म हो गया। तो मैंने देखा कि हर दुकान की पहले एक फर्म थी, उसकी दो दो तीन तीन फर्में बनती जा रही है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद हर दो साल के बाद जो है, अब मैंने बताया ना टाइम चेंज हो गया, अब सब भाई भाई अलग हो गए, बहन भाई होगा या रिश्ता अलग हो गया, इस तरीके से है। हाँ जी, ज्यादा मंडी में दुकानें भी ज्यादा खुल गई, मंडी भी बड़ी हो गई, लोगों के खर्चे ज्यादा हो गए तो और कमाई कम हो गई। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जिनकी भी वीडियो बनाता हूँ इनसे रिटेल के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। आपको यदि 1-2 पेटी चाहिए वो मंडी में आकर कोई भी आड़ती आपको मना नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी